सॉर्टिंग मटेरियल इसमें हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि जो हमारे पास कोई भी मटेरियल्स होता है, कोई भी सामान होता है, हम क्या करते हैं उसको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड। जैसे हम अपने घर का सामान करते हैं, जो सामान लाते हैं मार्केट से उसको घर में क्या करते हैं, फिर अलग अलग ग्रुपों में रखते हैं, करते हैं ना ये काम। तो इसी चैप्टर में एक टॉपिक है हमारे पास सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल का मतलब होता है जो पानी में घुल जाता है, और इनसॉल्युबल जो पानी में नहीं घुलता है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ सामान है, हम इस पे एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पूछूंगा कि ये क्या है। रख लीजिए आपने ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कांच का जैसा गिलास, इसको जो हमारी लैबोरेटरी होती है, प्रयोगशाला जहाँ आप ऊपर है ना, ऊपर वाली बिल्डिंग में लैबोरेटरी है, वहाँ क्या करते हैं बच्चे क्लास 10 के और 12 के बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। तो वहाँ ये कांच का गिलास यूज होता है, इसका नाम है बीकर। क्या बोलते हैं इसको? बीकर। इस गिलास को क्या बोलते हैं हम? बीकर। समझे, सुन लिए? यस सर। तो हम इसमें क्या लेंगे, यहाँ पे इस बोतल में क्या है? पानी। और हम इस बीकर में क्या डालेंगे? पानी डालेंगे भाई इस बीकर में, ये डाला हमने, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ पदार्थ है जो आपको, आपने अभी खाया भी है, ये क्या है? ये चीनी है। दिखाई दे रही सबको? यस सर। कैसी होती चीनी? मीठी। मैं इस चीनी को इस यहाँ डालूंगा पानी में, और देखते हैं, ये देख रहे हैं ये मोटे मोटे दाने दिखाई दिए सबको? यस सर। ये डाला मैंने, ये दिखाई दे रहा है? यस सर। सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। मेरी साफ साफ दिखाई दे रही है? अच्छी, इसको घुमा, अच्छी घुमा, इधर यहाँ पे हो, चलो मिलाओ। तो जब तक अक्षित इसको मिलाता है, जब तक अक्षित इसको मिलाता है, तो आप ये बताओ कि इसमें, इस पानी में हमने कौन सा पदार्थ डाला था? चीनी। शुगर। क्या लिखेंगे? शुगर। ये देखना है कि ये पानी में घुलता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो घुलेगा तो यहाँ पे हम टिक मार देंगे, और अगर नहीं घुलेगा तो यहाँ पे मारेंगे, ठीक है। कितनी थी? ज्यादा थी कि कम थी? ज्यादा। तो गायब हो गई इससे? यस सर। अब केवल थोड़ी सी रह गई है, पहले बहुत, पहले एक चम्मच थी ना जी। और अब कितनी है? आधा। कितनी है? कम, बहुत कम है। कहाँ गई वो चीनी? जरा देख रहा भाई कहाँ है, दिखाई दे रही वो चीनी जो मैंने एक चम्मच डाली थी? घुल गई, यानी इस चीनी, इस पानी से वो चीनी क्या हो गई? गायब हो गई, डिसअपीयर हो गई। कल बताया था मैंने, इसका मतलब अगर इसको मैं और घुलाता हूँ पूरी चीनी गायब हो जाएगी। देखो, हो गया गायब? यस सर। हो गया गायब? क्या हो गई? पानी में घुल गई, यानी चीनी क्या होती है? सॉल्युबल। क्या लिखोगे? सॉल्युबल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टिक मार दिया सॉल्युबल, और इनसॉल्युबल में क्या कर देंगे हम? कौन बच्चा पिएगा? ये बच्चे पिएंगे, ठीक है। हाथ खड़े कर रखे इन्होंने, ठीक है। तो मैंने मैंने पानी लिया था, पानी में क्या डाला मैंने? रेत। यहाँ पे लिखी है रेत को क्या कहते हैं हम? सैंड। सैंड। अब इसमें देखते हैं ये घोलता है कि नहीं घोलता, कौन बच्चा घोल घोलेगा? ये घोलेगा, दो चम्मच लो, चम्मच से घोलो, नहीं घोलो घोलो, मिट्टी गायब हो, देखते हैं कि पानी में जैसे चीनी गायब हुई थी ना, देखते हैं मिट्टी गायब हुई कि नहीं हुई। चीनी तो मुझे उछल, वो बजर तो मुझे उछल देख रही है। हाँ, क्या बोल रहे? रेत क्या हो रहा है? घुल नहीं रही, इसका मतलब जैसे चीनी तो पहले ज्यादा थी, हम थोड़ा घुमाए तो कम कम होती जा रही थी ना, इधर लाओ। तो क्या ये मिट्टी भी हुई कम कम? ये मिट्टी वैसे ही है, बल्कि ने पानी को क्या कर दिया? गंदा नहीं कर दिया। चलो बैठो, तो इसका
ये पानी में ये रेत सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है? इनसॉल्युबल पे हम मारेंगे। और यहाँ तीसरी चीज ले रहा हूँ मैं, कौन पिएगा? दिखाई दे रहा है? यस तो